हमीरपुर जिले में दो लड़कियों ने समाज के सारे रीति रिवाजों और घर परिवार को छोड़कर एक दूसरे से विवाह कर लिया। रजिस्ट्रार कार्यालय में दोनों ने शपथ पत्र दाखिल करते हुए एक दूसरे का हाथ थामा। उनका कहना है कि वे एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं और हमेशा साथ रहना चाहती हैं। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। इस शादी के लिए घर वाले हमें अनुमति नहीं देते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी शादी को स्वीकार करें। हमें समाज में रहने के लिए तौर तरीके जैसे हर नागरिक को मिलते हैं, वैसे हमें भी मिलने चाहिए। हम 6-6.5 साल से साथ में हैं। गांव में भी हमने शादी की थी, इस रिश्ते को हम बाकायदा निभा भी गए हैं, पर घर वाले में अड़चला रहे भी हैं। ताकि हम किसी मर्द से संबंध नहीं बनाना चाहते हैं, हम समलैंगिक हैं। लोग साथ रहना चाहते हैं, सरकार हमारी सहायता करे। और हम दोनों 6 साल से साथ हैं, लेकिन घर वाले साथ में रहने की अनुमति नहीं देते हैं। जबरदस्ती शादी भी कर दी दोनों की, शादीशुदा हैं दोनों लोग। इसलिए हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी पूरी मदद की जाए। समलैंगिक शादियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक रूप से रिट हुई थी, उसमें संविधान के अनुसार उन्होंने फैसला ये दिया कि समलैंगिक शादियाँ जो हैं वो अवैधानिक नहीं है, संवैधानिक हैं, और उनके आधार पर जो शादियाँ होंगी वो इलीगल नहीं मानी जाएंगी, कानून के अनुसार ही मानी जाएंगी।